हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हिमांशु और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारी कैंपिंग रिलेटेड एसेसरीज़ में। ऑल दो हमारी अप्रैल मंथ में एक राइड होने वाली है जो कि मे बी उत्तराखंड की हो। अभी प्लेस एक्चुअल में डिसाइडेड नहीं है कि हिमाचल की होगी या उत्तराखंड की होगी, लेकिन ये पूरा पूरा डिसाइडेड है कि हाँ भाई राइड होनी होनी है। तो उसी के लिए हमने अपनी कैंपिंग एसेसरीज़ के अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐड करे हैं ताकि जब कैंप के टाइम हम उस चीज़ को यूज़ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी कैंपिंग एसेसरीज़ के अंदर मंगाया है अपना कैंपिंग चूल्हा, जो कि पोर्टेबल स्टोव जिसको भी बोलते हैं। पोर्टेबल स्टोव जो हमने ऑर्डर किया है ये हमने किया है अमेज़ॉन से। जो प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि एट अ टाइम ऑफ ऑर्डर आपको कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। तो बिना देरी करे अब करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये रहा हमारा पोर्टेबल स्टोव जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या मिला है। तो चलिए, फिलहाल हमारे पास कटर है अवेलेबल, तो करते हैं इसको चीरहरण। तो यहाँ से तो कर दिया है हमने यार। ये गाइस मच नीडेड एसेसरीज में से एक है अगर आप अपनी कैंपिंग को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, क्योंकि कैंपिंग पे तो आउटर शेल इसका ये रहा, मेरे जो कैंपिंग चूल्हा है पोर्टेबल स्टोव जिसको बोलते हैं। तो इसको साइड रखते हैं, इसमें देखते हैं क्या निकला है। तो भाई फिलहाल ये इस तरीके से आया है। अब इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं और चलिए इसको ओपन करके देखते हैं एक्चुअल में कैसा है ये। आउटर शेल इसका ये रहा और हमारा चूल्हा ये रहा। सो दोस्तों ये रहा हमारा चूल्हा जो हमने ऑर्डर किया है। ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है ताकि, और इसके फ़ायदे हैं, एक नॉर्मल भी आता है, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हवा का प्रेशर है उसको इजीली रोक सकता है। और आप ये इजीली देखो इस तरीके से फोल्ड हो जाता है और इस तरीके से खुल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मच नीडेड एसेसरी है अगर आप कैंपिंग करते हैं तो। तो चलिए एक बार अपनी ब्यूटेन निकालते हैं और फिर देखते हैं, चला के दिखाते हैं आपको कि ये एक्चुअल में। तो दोस्तों ये इस प्रोडक्ट की जो कैंपिंग स्टोव है हमारा पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव है, इसकी अमेज़ॉन पे कीमत थी 850 रुपीज़, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट होने की वजह से ये हमें अप्रॉक्स 800 की पड़ी है। और अगर मैं ब्यूटेन कैन की बात करूँ तो ये आपको आपके नियरेस्ट एसी रिपेयर शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा ब्यूटेन। और ये एक कंपनी की ब्यूटेन गैस है तो इस कैन की मेरे को अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ी है 90 रुपीज़। सो होप करता हूँ आप भी इसको इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी कैंपिंग को और ज़्यादा एडवेंचरस बनाएंगे बिल्कुल मेरी तरह।